रसीली रसीली स्पेशल तहरी। दुश्मन भी बन गए, मेरे कपड़े ले गई सब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ स्पेशल बनाने आ रहे हैं घर पे और आपको दिखाएंगे अभी। चाहिए चलते हैं। नीतू बना रही है कुछ स्पेशल। नीतू क्या बना रही हो अभी? देखिए, नीतू बना रही है बूंदी, और बूंदी ये फर्स्ट टाइम बना रही लाइफ में। आई थिंक लाइफ में फर्स्ट टाइम बना रही ना। हाँ, तो फ्रेंड देखिए, एक तरह की बन चुकी है, दूसरी तरह की बनने के लिए तैयार हो गई है ये। और ये बन रही है लाल कलर वाली, जो होती है ऑरेंज वाली बूंदी। क्या जबरदस्त बूंदी है देखिए। ये कुछ बूंदी है, आपको लग रहा है मूल वाली नहीं है ये हम सॉरी हमने अभी खुद बनाई है ये अपने हाथों से हम लोगों ने। तो काफ़ी टेस्टी है देखिए, और कड़क भी हो गई है। और ये बन के तैयार हो गई है हमारी दोनों तरह की नुक्ती बूंदी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसा आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं बूंदी बना चुकी हूँ और अपने सर के लिए कुछ स्पेशल देने वाली हूँ बना के। तो फ्रेंड, ब्लॉग को एंड तक देखना। और राधा दीदी के घर से आ चुके हैं फ्रेंड। हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया था राधा दीदी के घर में, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, और हम उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सच में हमने मतलब लाइफ में हम फर्स्ट टाइम गए थे किसी अनजान के घर पे, और हमने इतनी सारी मस्ती की थी, हमें लग नहीं रहा था कि हम वहाँ पे पहली बार गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। फोन चला रहे हैं, बोलिए। राधा दीदी घर पे अच्छा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। सो रही, बहुत अच्छा लगा था मेरे लिए तो। बिल्कुल अपने घर जैसा एकदम अच्छा, एकदम पूरा रिस्पेक्टफुल, बहुत ही अच्छा, एकदम एंजॉय पूरा। सबसे अच्छी बात रिस्पेक्ट तो क्या, अरे सबसे अच्छी बात तो रिस्पेक्ट तो होती है किसी, है ना? नहीं, रिस्पेक्ट तो होती है, इसका जो कहता है अपनापन फील होता है ना, अपनापन फील होता है। बहुत अच्छा लगा, इतनी ज्यादा इतना एंजॉय किया था, इतना एंजॉय किया था। बिल्कुल लगा कि अपने कहीं और अननोन प्लेस पे हैं हम, लगा अपने घर पे ही है। बिल्कुल अपने घर जैसा, बिल्कुल भी एकदम अनजान, किसी अनजान के यहाँ पे जाते हैं तो फिर देख के मुंह सा घुमा लेता है ऐसा। ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं था, इतना एकदम गले से लगाया था, गए थे तो। और दो दिन रुके थे, है ना? उन्हें जबरदस्ती रुका था। हाँ, एक दिन तो हम रुके, एक दिन तो हम रुके थे क्योंकि हम लेट हो गए थे ना, क्योंकि हम हिमाचल से गए थे और क्या नाम है, हमारी रात हो जाती, हम वहाँ पे पहुंचे थे 4 बजे गए थे, नहीं पाते थे वहाँ से। तो बताओ 4 बजे हम कैसे लौट पाते? और डिबियापुर वहां से 8 किलोमीटर पड़ता है, फिर डिबियापुर जाके भी हम क्या करते हैं ना, तो डिबियापुर से भी ट्रेन नहीं मिलती, इटावा से ट्रेन मिलती है, इसलिए हमने वहाँ रुकना सही समझा। तो उन्होंने, उनकी भी इच्छा थी हम रुके, और दूसरे दिन उन्होंने जबरदस्ती खुद ही रोका, इतना लगाव हो गया उनसे, हमें उनको हमसे, इसलिए उन्होंने खुद रोका। तो ये हमारा सौभाग्य फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसा ही हमेशा व्यवहार अपना दूसरे को प्रति बना रखिए, जिससे कि आपको भी लोग अच्छी तरह से याद करें, अच्छे मेमोरी बनाए हमेशा अपनी लाइफ में। तो हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं, तो ये मेमोरी मेरी हमारी हमेशा मतलब हमारे दिल में रहेगी, हमेशा शेप रहेगी। और कुछ तरह की जल्दी जल्दी दोबारा एक बार मिलने जाए हमसे, फिर से जाएंगे मिले रात। हाँ, तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं चलता हूँ सोने, और नीतु बना रही है ब्लॉग। मैं तो नींद लगा रही, मेरे को बहुत तेज, ये नाइट ड्यूटी करके आए हैं, सो रहे हैं। नहा लिए, धो लिए, खा लिया, पी लिया, सो गए। हम जैसे बैठे हैं ऐसी, है ना? एक चीज़ दिखाएं, जब भी हम बाहर से आते हैं तो कितने कपड़े हो जाते हैं ना, हम राधा दीदी घर से आए तो इसे दुगने कपड़े मैं धो चुकी हूँ, और इतने फिर से हो गए, जो कि सबसे मुश्किल काम रहता है कपड़े धुलना। अच्छी निकली है, मगर हवा बहुत तेज चल रही है। छत पर क्या कपड़े डाले थे कहीं उड़ ना जाए। खेल रहे, हाय, क्या कर रहे, खेल रहे हो? कपड़े उड़ गए? कपड़े देखो कैसे पड़े हैं, इतने अच्छे से डाल के गए थे। इतनी तेज हवा चल रही है, हमारे सब कपड़ा उड़ गए। अब पर कहाँ गई? वो टंगी आम के पेड़ पे, वो रही बेचारा गया उठाने। इतनी हालत खराब है, बताओ, चिमटी लगाई थी तब भी तो कपड़े उड़ गए। वही थी, इतने सारे खिलौने, हमें तो बचपन की याद आ गई इनसे। हम भी ऐसे खेलते थे पहले, हम तो बर्तन से खेलते थे दक्ष, हम तो बर्तन से खेलते थे।
बर्तन आते हैं नहीं आते हैं? एक मिनट में मेरे बाल सूख गए, इतनी अच्छी हवा चल रही है। मगर यही हवा में दुश्मन भी बन गए, मेरे कपड़े ले गई सब, दोबारा से धुलने पड़ेंगे, काम बढ़ गया। मैंने नहीं आप सबके लिए रसीली रसीली नुक्ती, कितनी यम्मी लग रही है देखने में ना, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ टहरी, और ये मैंने सारी सब्जियाँ काट के रख ली है, देखिए काट के ढक के रख दी थी, और अब मैं बनाऊँगी टहरी। इतनी सब्जी मतलब एक टाइम की सब्जी बन जाएगी आराम से, जरा से चावल में इतनी सब्जी हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी है। आज तो पार्टी करें, 50 रुपये, 50 रुपये हम पार्टी कौन करते हैं, हम करेंगे आज। अरे मम्मी 100 रुपये मांगते, अब 700 रुपये मांगते, रुपया मांग लो, लिखो किस्मत में हमारी, आज 50 रुपये मिले इन सबकी हुई पार्टी, आप भी आना। दुकान बंद है, आगे जाना पड़ेगा, छोटी वाली दही दे दो, सही निकलती है वाली दही, ही गई मेरी पार्टी, 50 रुपये छीन लो जे दादा, 500 रुपये और दही दे, पार्टी होगी मेरी 50 रुपये में आराम से। इतनी तेज हवा चल रही, कह रही है रुको आगे मत बढ़ो, उतनी आगे ना बढ़ा दे रही हवा, दांत की सकरा इतनी गर्द है। बारह बजे के बाद अचार लिया। तो फ्रेंड नीत मुकेश आपका स्वागत करते तहरी के साथ, बहुत बढ़िया तहरी है, एकदम देखने में अच्छी है, खाने में अच्छी है, और मजा आने वाला है खाने में, खाई नहीं है अभी भी, बता दिया लग रहा है ना इसलिए। तो फ्रेंड अभी आ जाओ। तो फ्रेंड आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, क्लिप बाय, और हाँ हमें सपोर्ट करते रहना।